नमस्कार, ये सारस्वता रिष्ट है और ये आप किसी भी कंपनी का लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल यहाँ से ऊपर होने वाली सभी बीमारियों में किया जाता है। इस औषधि के साथ कौन सा नस्य क्रम हमें लेना चाहिए और क्या अनुपान में लेना चाहिए, किस औषधि के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप इसका इस्तेमाल उसी ढंग से करके लाभ उठा सके। इसकी मात्रा बताए तो इसकी मात्रा 15 से 30 ml, लगभग 3 चम्मच से 6 चम्मच तक एक कप पानी में मिला के आप सुबह शाम भोजन के बाद इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ मिलता है। ज़्यादातर बीमारियों में भोजन के बाद ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, कुछ बीमारियों में भोजन से पहले इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर बीमारियों में, कुछ बीमारियों में दिन में 1 बार या दिन में 3 बार भी इस्तेमाल किया जाता है, मगर ऐसी बीमारियां बहुत कम होती हैं। इसका इस्तेमाल करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसकी कोई आदत नहीं पड़ती। ज़्यादातर बीमारियां 1 से 3 महीने में ही दूर हो जाती है, मगर जो पुरानी बीमारी होती है उसके लिए इसका इस्तेमाल कुछ समय, लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है, 3 से 6 महीने तक करना पड़ सकता है, क्योंकि दिमाग से संबंधित बीमारियों में ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी रोग को ठीक होने में। इसीलिए आप अपना धीरज रख के इसका इस्तेमाल करके पूरा लाभ उठाएं ताकि आपकी बीमारी पूरी जड़ से जा सके। जिन बच्चों या बुजुर्गों की या युवावस्था में लोगों की याददाश्त शक्ति कमज़ोर हो जाती है, कुछ भी कहीं रखते हैं याद नहीं रहता, या पढ़ाई का लिखाई का काम जिनका ज़्यादा है, याद रखने का काम ज़्यादा है, मगर वो हर चीज़ को भूल जाते हैं, ऐसे लोग 6 चम्मच सारस्वता रिष्ट 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद रोज़ाना लेना शुरू कर देते हैं तो बहुत जल्द याददाश्त शक्ति बढ़ जाती है और वो कहीं भी कुछ भी भूलते नहीं है, उनको हमेशा याद रहता है। जिन लोगों का दिल कमज़ोर है, घबराहट बेचैनी बार बार बनी रहती है, भीड़ में घबराहट हो जाती है, अकेले रहने पे घबराहट हो जाती है, तरह तरह के मन में विचार उत्पन्न हो जाते हैं और वो नकारात्मक विचार होते हैं, ऐसे स्थिति में ऐसे लोग अगर 3 से 6 चम्मच सारस्वता रिष्ट 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्द उनकी ये नकारात्मक विचार जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है और उनकी घबराहट बेचैनी भी दूर हो जाती है और उनके दिल को ताकत मिलती है, वो हमेशा अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। जिन लोगों की उम्र तो कम है मगर उनका चेहरे से लगता है कि वो ज़्यादा उम्र के हैं, उनके चेहरे पे ओज की कमी है और ओज की कमी होने से व्यक्ति अब ज़्यादा उम्र का दिखाई देता है, ऐसी स्थिति में सारस्वता रिष्ट 3 से 6 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्द उनके चेहरे पे ओज की वृद्धि होती है और बढ़ती उम्र भी उनकी थम सी जाती है। जिन व्यक्तियों की आवाज़ भारी है और कुछ बोलते हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता, आवाज़ तो आपने देखी होगी, कोयल भी काली होती है और कौआ भी काला होता है, लेकिन कौए की आवाज़ किसी को पसंद नहीं होती और कोयल की आवाज़ मधुर होती है, सबको पसंद होती है। तो खैर, ये सब चीज़ें तो हमारी आवाज़ ग्रंथि, जिसे हम स्वर ग्रंथि वोकल कॉर्ड बोलते हैं, उसमें तरह तरह के विकार उत्पन्न से हो जाता है, वो मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा, मगर ज़्यादातर लोगों को जो आवाज़ जिनकी भारी हो जाती है हार्मोन्स में बदलाव हो जाने के कारण या वोकल कॉर्ड में संक्रमण के कारण या तरह तरह के विकार होने के कारण उनकी आवाज़ भारी हो गई है और वो चाहते हैं कि हमारी आवाज़ पतली और मधुर हो, तो ऐसी स्थिति में 3 से 6 चम्मच सारस्वता रिष्ट 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम लेना शुरू कर दें खाना खाने के 1 घंटे बाद। कुछ ही समय में देखेंगे उनके धीरे धीरे आवाज़ बिल्कुल पतली हो जाएगी। जिन महिलाओं को मासिक धर्म कम आता है या समय पर नहीं आता है या बिल्कुल ही नहीं आता है, ऐसी महिलाएं अशोका रिष्ट 3 चम्मच सारस्वता रिष्ट 3 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम लेना शुरू कर देंगे तो उनके हार्मोन्स जो है संतुलित मात्रा में बनेंगे, जिससे उनको हर महीने मासिक धर्म खुल के आएगा और उनको इस तरह की बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जिन पुरुषों का शुक्राणु नहीं बन पाता अंडकोश में और वो तरह तरह के इलाज करके थक जाते हैं, उन पुरुषों को कहना चाहूँगा, उटंगन के बीज
पिसवा के आधा चम्मच सुबह शाम गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करें, और सारस्वता रिष्ट 6 चम्मच 1 कप पानी में डाल के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से लगातार हर महीने आप अपना शुक्राणु चेक करवाते रहेंगे तो आपके शुक्राणु की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। जिन लोगों को नील शुक्राणु की शिकायत है वो भी इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं और हर महीने टेस्ट करवाते रहें ताकि उनको भी पता चलता रहे कि कितना उनको फ़ायदा हुआ है। जिन लोगों को रात के समय नींद नहीं आती, सोते हैं तब भी दिमाग इधर उधर 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 घूमता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, उन लोगों को कहना चाहूँगा परेशान मत होइए। ये सिर की नसों में खुश्की आ जाने के कारण होती है और हमारे दिमाग के अंदर जो रसायन जिसे हम केमिकल्स बोलते हैं वो असंतुलित मात्रा में बनते हैं जिसकी वजह से ये परेशानी हमें उत्पन्न हो जाती है। तो एक कद्दू का तेल आता है जिसे कद्दू रोगन के नाम से भी जाना जाता है, वो 3 बूंद नाक में डाल के खींचे, 3 बूंद इस नाक में डाल के खींचे और सारस्वता रिष्ट 6 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह और इसी तरह शाम को खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें, रोजाना इस्तेमाल करें। इससे आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद आएगी और सिर की नसों की खुश्की भी दूर हो जाएगी और इनमें बनने वाले रसायन भी संतुलित मात्रा में बनेंगे और अच्छी नींद आएगी तो अगले दिन आपका बहुत अच्छा बीतेगा। जिन लोगों का पित्त प्रकृति वाला शरीर है और खान पान रहन सहन के कारण पित्त प्रकृति पित्त बढ़ गया है जिससे कि वो दोष में बन गया है, पेट में गर्मी बनी रहती है, घबराहट बेचैनी बनी रहती है, पसीने ज़्यादा आता है और जब भी देखो त्वचा रोग से वो परेशान रहते हैं, पेट से परेशान रहते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आंवला पाउडर सुबेरे 1 चम्मच खाली पेट लेना शुरू कर दें और साथ में सारस्वता रिष्ट 6 चम्मच 1 कप पानी में मिला के रोजाना 1 दिन में 1 बार सुबह खाली पेट लेना शुरू कर देंगे तो बहुत जल्द आपका बढ़ा हुआ जो पित्त दोष है वापस आपका संतुलित मात्रा में पित्त प्रकृति में बदल जाएगा और आपको पूर्ण रूप से ठीक कर देगा और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करोगे। जिन लोगों का वात प्रकृति वाला शरीर है और गलत खान पान के कारण, गलत रहन सहन के कारण, ज़्यादा टेंशन लेने के कारण भी शरीर का वात जो है बढ़ जाता है, जो दोष में बदल जाता है, प्रकृति से दोष बन जाता है और वो शरीर में जगह जगह दर्दे कभी यहाँ उत्पन्न कर देता है। कई लोग कहते हैं जी वात क्या होता है हमें नहीं पता, वो खराब वायु को बोलते हैं या खराब गैस को कह लीजिए, तो वो जाके हमारे हड्डियों में जो चिकनाहट होती है ना, वायु का काम होता है सुखाना, तो वो हमारे जोड़ों को हड्डियों को उनके अंदर चिकनाहट कम कर देता है, नसों को कमज़ोर कर देता है जिससे नसों में मांसपेशियों में जोड़ों में हड्डियों में कभी कहीं दिक्कत होती रहती है और हमें दर्द तंग करता है। ऐसी स्थिति में आप सारस्वता रिष्ट 6 चम्मच सुबह 6 चम्मच शाम को 1 कप गर्म पानी में मिला के सुबह शाम रोजाना दिन में 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो बढ़ा हुआ वात दोष है ना वो आपका धीरे धीरे वात प्रकृति में बदल जाएगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। कई बार कई लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके आंखों के सामने सभी चीज़ें घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, जिसे घुमेरी या चक्कर के नाम से भी जाना जाता है। आंख ऐसे बंद करते हैं तो अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, जैसे ही आंख खोलते हैं तो एकदम घूमने लग जाती है सब चीज़ें, कई लोग तो गिर भी जाते हैं और कई लोगों को सिर में हमेशा ऐसा लगता है कुछ ना कुछ मेरे सिर में बीमारी हो गई है, मेरे सिर में कोई ना कोई दिक्कत आ गई है। ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा परेशान मत होइए, इससे ऊपर नसों में खून दौरा अच्छे से ना होने के कारण ये समस्या उत्पन्न होती है, चाहे आपको सर्वाइकल के कारण हो, चाहे डिस्क प्रॉब्लम के कारण हो, चाहे अन्य बहुत से कारण होते हैं, किसी भी कारण से कई बार ऑक्सीजन और रक्त अच्छे से पूरी तरह से
जो खून का दौरा नहीं हो पाता उसकी वजह से समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में 1 कप पानी में 6 चम्मच सारस्वत अरिष्ट मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद रोज़ाना लिया जाए। और नारियल तेल की मालिश, सिंपल नारियल के तेल की मालिश करनी है जिसमें सेंट ना हो। सिर पर अच्छे से मालिश करने से घुमेरी की शिकायत, चक्कर की शिकायत और जो देखते हैं ना कि सब कुछ घूम रहा है उसकी समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। जिन बच्चों का उम्र के हिसाब से कद नहीं बढ़ता है, किसी भी कारण से उनका कद नहीं बढ़ रहा और आप तरह तरह की दवाइयाँ दे के परेशान हो गए हैं, तो आपने परेशान नहीं होना है। इसमें उनका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है जिसकी वजह से समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आपने परेशान नहीं होना है। अश्वगंधा का पाउडर बना के, अश्वगंधा की जड़ आपको पंसारी से मिल जाएगी, ला के पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करें और साथ में सारस्वत अरिष्ट 1 कप पानी में डाल के 6 चम्मच सुबह और शाम पहले सारस्वत अरिष्ट पिए, उसके आधे घंटे बाद अश्वगंधा का पाउडर गाय के दूध के साथ प्रयोग करें। ऐसा दिन में 2 बार करने से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स की वृद्धि होने लग जाती है और बच्चे की ग्रोथ जो है वो उम्र के हिसाब से बढ़ने लग जाती है और रुका हुआ कद फिर से खिंचने लग जाता है। कई लोगों को, ज़्यादातर बच्चों को तुतलाना या अटक के बोलना मस्तिष्क विकार के कारण उत्पन्न हो जाता है जिससे वो बहुत परेशान होते हैं। तो 3 चम्मच सारस्वत अरिष्ट 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम दिया जाए। और जो पूजा सुपारी होती है ना, जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, तो वो सुपारी बच्चे को दी जाए ऐसे चूसने के लिए, टॉफी के लिए, और ध्यान रखा जाए कि बच्चा उस टाइम ध्यान रखें कि वो बच्चा उसको फेंक ना दे या निगल ना ले, क्योंकि निगलने में भी परेशानी होगी। तो जैसे चूस ले उसके बाद थोड़ी देर 5-10 मिनट चूसवाना है, उसके बाद उसे फेंक देना है और उसके बाद उसको कहना है कि जी आप थोड़ा सा जीभ को बाहर निकालें इस तरह, ज़्यादा से ज़्यादा, फिर जीभ को ऊपर करें, फिर जीभ को इस तरफ करें और उसका बच्चे का थोड़ा सा गला मसल दे। ऐसा दिन में 2 बार करने से बहुत जल्द उनको तुतलाना या अटक के बोलना वो उसकी समस्या दूर हो जाती है। इसमें टाइम तो लगता है, 6 महीने से 1 साल का समय लग जाता है, मगर बच्चा या बड़े व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। जो लोग पुराने सिर दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं, किसी भी प्रकार का सिर में दर्द है, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा सारस्वत अरिष्ट 6 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम पीजिए। और बादाम का तेल आता है किसी भी कंपनी का, लेके 3 बूंद नाक में डाल के खींचिए, 3 बूंद इस नाक में डाल के खींचिए। ऐसा करने से पुराना सिर दर्द आपका हमेशा के लिए चला जाएगा। चाहे आपको माइग्रेन किसी भी तरह का है, पीछे साइडों में, अगले हिस्से में, किसी भी तरह का सिर में दर्द है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, मगर इसका इस्तेमाल लगातार आप करें। कई लोगों को टीनिटस की दिक्कत हो जाती है जिसमें कर्ण नाद के नाम से भी जाना जाता है, कान में तरह तरह की आवाज़ें गूंजने लग जाती है। कई लोगों के एक कान में, ज़्यादातर लोगों हमारे पास जो आते हैं ना, वो एक कान में दिक्कत होती है, कई लोगों को दोनों कान में दिक्कत होती है, बहुत कम ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको दोनों साइड दिक्कत हो जाती है, तो वो बहुत परेशान होते हैं। कई कारणों से हो जाता है, बीपी बढ़ने के कारण या अंदरूनी भाग में मांसपेशियां कमजोर होने के कारण, सूजन या संक्रमण हो जाने के कारण, या गांठ, तरह तरह के कारण होते हैं। तो किसी भी कारण से अगर आपको ये समस्या है तो आप उसमें क्या करें, षड बिंदु या अणु दोनों में से कोई एक तेल ले, 3 बूंद नाक में डाल के खींचे, 3 बूंद डाल के खींचे और सारस्वत अरिष्ट 6 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना शुरू कर दें, तो आपको कान में आवाज़ सुनाई देने की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आप धीरज रखें, आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे।
जिन लोगों को मिर्गी की शिकायत है, जिसे हम अपस्मार के नाम से जानते हैं, एपिलेप्सी के नाम से जानते हैं, या जिन लोगों को हिस्टीरिया की दिक्कत है, जिसे हम योसा अपस्मार के नाम से जानते हैं, इसमें क्या होता है, व्यक्ति चलते चलते एकदम या बैठे बैठे एकदम गिर जाता है, हाथ पैर अकड़ जाते हैं और आंखें फिर जाती हैं और दांत ऐसे बिछ जाता है और पूरी तरह से हाथ पैर अकड़ जाते हैं और रोगी बहुत छटपटाता है, कईयों के मुंह से झाग आती है। हिस्टीरिया में सभी तत्व ये चीज़ें होती हैं मगर उनके झाग नहीं आती है। तो उसमें मिर्गी हो चाहे हिस्टीरिया हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सारस्वत अरिष्ट 6 चम्मच सुबह शाम 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम आपने पीना है, रोजाना पीना है। और बादाम का तेल या षडबिंदु तेल या अनु तेल, तीनों तेल में से कोई एक तेल आप लेके 3 से 6 बूंद नाक में डाल के खींचे, 3 से 6 बूंद डाल के खींचे। ऐसा करने से बहुत जल्द आपकी मिर्गी की समस्या, हिस्टीरिया की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। जिन लोगों को पार्किंसंस रोग की शिकायत होती है और वो चलते चलते लड़खड़ाने लग जाते हैं, लड़खड़ा के चलते हैं, कंपन महसूस करते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि बादाम के तेल की मालिश सिर पे करें। बादाम के तेल को 3 बूंद नाक में डालें और खींचे, 3 बूंद इस नाक में डालें और खींचे। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद होगा। और सारस्वत अरिष्ट 6 चम्मच 1 कप पानी में मिला के दिन में 3 बार खाना खाने से 1 घंटा पहले आपने इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने से आपकी पार्किंसंस रोग की शिकायत धीरे धीरे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और आपने वातनाशक तेल या महानारायण तेल की हफ्ते में 3 बार अच्छे से सिर से लेके पैर तक मालिश करवानी है ताकि आप पूर्ण रूप से ठीक हो सके, पेट के बल लेट जाएं और दूसरा व्यक्ति आपकी अच्छे से मालिश कर दे, जिससे आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और आपकी पार्किंसंस रोग की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जिन महिलाओं का गर्भ नहीं रुकता और वो कई कारणों से गर्भधारिणी जो है उनकी छोटी है, बड़ी है, टेढ़ी है, उल्टी है, सीधी है, या उसमें गांठे हैं, कई तरह के विकार उत्पन्न है, या उनमें बार बार संक्रमण हो जाता है, सूजन तंग करती है, तो उन महिलाओं को कहना चाहूँगा, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती है जिनको गर्भ रुकता है थोड़े दिन बाद खराब हो जाता है, उनको कहना चाहूँगा सारस्वत अरिष्ट 6 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करें और सरसों के तेल की हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से पेड़ू पे रोजाना रात को सोते समय प्यार से मालिश करें, ताकि आप बहुत जल्द ठीक हो सके और आपकी समस्या दूर हो जाए। कई महिलाओं को इसमें 3 से 6 महीने का समय लग सकता है मगर ज़्यादातर महिलाएं इसमें पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाती हैं। जिन लोगों का इम्यूनिटी कमज़ोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली कमज़ोर है, वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा सारस्वत अरिष्ट 6 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह रोजाना खाली पेट लेना शुरू कर दें तो आपके शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी बढ़ जाएगा और आपको आने वाले वायरस का, बैक्टीरिया का, फंगस का संक्रमण आपके शरीर पर नहीं हो पाएगा। मैंने सारस्वत अरिष्ट के आपको इतने सारे फायदे बताए तो इसके कुछ नुकसान हैं वो भी बताता हूँ। गर्भवती महिलाएं अपने शरीर का चेकअप करवा के ही सारस्वत अरिष्ट का इस्तेमाल करें, या जो महिलाएं बच्चे को दूध पिलाती हैं ऐसी महिलाओं को भी कहना चाहूँगा पहले अपने आसपास में जो डॉक्टर हैं उनसे अपने शरीर का चेकअप करवाएं, तभी उसके बाद सारस्वत अरिष्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार की महिलाएं या पुरुष इसका इस्तेमाल करके, बच्चे इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।